एक तरफ पुलिस के मुखिया पुलिस की छवि सुधारने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर में पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहां एक गांव में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने ऐसा तांडव किया जिससे पूरा गांव अभी भी दहशत में है। यहां पुलिस ने गांव में 50 घरों में तोड़फोड़ की और दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस पर घर में घुसकर लूटपाट का भी आरोप लगा है। फिलहाल मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। सपा के पूर्व मंत्री ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव में तोड़फोड़ और दहशत का ये नज़ारा थाना रामचंद मिशन के चक परमाली गांव का है। आरोप है कि यहां देर रात पुलिस ने लगभग 50 घरों में तोड़फोड़ की और जमकर लूटपाट की। बताया जा रहा है कल शराब की सूचना पर गांव में गई पुलिस ने ग्रामीणों और आबकारी सिपाहियों के साथ मारपीट की थी। पुलिस के साथ ही मारपीट के बाद कई थानों की पुलिस गांव पहुंची और जमकर तांडव किया। यहां पुलिस ने गांव वालों की 19 बाइक और 5 चार पहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने घर में सो रही महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ मारपीट की। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि घरों में तोड़फोड़ के दौरान पुलिसकर्मियों ने जेवर और पैसे की लूटपाट भी की और छोटे और मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। रात में ये किया उन्होंने, मतलब मुजरिम था तो मुजरिम को पकड़ते, तुमने बच्चों को मारा, औरतों को मारा, आदमी घर में कोई थे नहीं, हमारे घर में भी जेल से खत्म हो चुके, हम विधवा मेहरवा बताओ, हमें घर से बाहर निकाल के उन लोगों ने मारा, ये कौन सा तरीका उन लोगों का। गांव में उनने सबके दरवाजे तोड़े, मकान घर तोड़े, बच्चों को उठा उठा के बाहर फेंका, औरतों को घर में से निकाल निकाल कर मारा और बीच सड़कों पे हमारी लोगों की बेइज्जती करी। पुलिस का खौफ यहाँ हर चेहरे पर नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे घरों को यहाँ पुलिस ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। सूचना पर सपा के पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा और सपा जिलाध्यक्ष गांव पहुंचे। सपा ने मांग की है कि गांव में तांडव मचाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना सपा धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। और हम सारे लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो भी तांडव यहाँ पर हुआ है उन समस्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ विधिक कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि निधि लोगों को घर में घुसकर कर मारना ये बहुत ही घटिया किस्म की बात है। मैं जिला प्रशासन लेके शासन तक इसकी मांग करता हूँ। पुलिस का कहना है कि पुलिस को गांव में नकली शराब होने की सूचना मिली थी, जहाँ से पुलिस ने 99 पेटी शराब बरामद की। बरामदगी के दौरान आरोपियों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने दबिश देकर पुलिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया है और आगे भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। कल एक सूचना पे पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा, मतलब टीम द्वारा, एक बड़ी मात्रा में जो अवैध शराब बरामद की गई है, इसका लगभग कीमत 7.5 लाख रुपए का बताया जा रहा है। इसमें कुछ अंग्रेजी शराब जो हरियाणा मार्ग का है और कुछ रेक्टिफाइड स्पिरिट भी मौके से मिला हुआ है, और इसमें कुल 6 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है। और भी इसमें जो भी संलिप्त जो है, मेन जो और लोग हैं इसमें, इस तरह का अवैध कारोबार में लिप्त है, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है। जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए।